आप सबको प्रणाम करता हूँ। काशी की धरा पे आप सबका स्वागत है। काशी के बारे में कहा गया है, काशते प्रकाशते आत्म तत्त्वम ब्रह्म तत्त्वम यश्याम इति काशी। और मेरी भाषा में कहिए तो मैं कहूँगा कि जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, मोहन पे गरियाई ना, लेकिन जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ अक्खड़पन आधार शिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ हैं, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। रिश्ते नाते सब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी तंग हो गए, तंग दस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियां नहीं, और फेसबुक पे बड़े कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। मैं रामचरितमानस की मर्यादा, मैं गीता सा पावन हूँ, मैं कालिदास की काव्य कल्पना, मैं ऋतुओं में सावन हूँ, तुलसी की मैं चौपाई, बानी संत कबीरा की, सूरदास की भक्ति परंपरा, प्रेम वेदना मीरा की, एकता की मैं पावन प्रतिमा, मैं गंगा में बहता पानी हूँ, मत पूछो मेरा परिचय, बस कह दो हिंदुस्तानी हूँ, बस कह दो मैं हिंदुस्तानी हूँ। वैसे मैंने कहा भी है कि मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, अंधों में भी राजा एक काना आ गया, और भाई बहन संग खाते थे समोसे, ये पीजा और जीजा का जमाना आ गया। आप सभी को मैं अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो बनारस की सबसे बड़ी साहित्यिक जो संस्था है शनिवार गोष्ठी, उससे आदरणीय जगदम्बा तुलसयान जी, आदरणीय रमेश दत्त जी बीच में आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कृपया आप लोग ताली बजाएं इसके लिए। हिंद का हिंदी से मिलना हिंद का उद्धार है, हिंद का हिंदी से मिलना हिंद का उद्धार है, और पुरुष का प्रकृति से मिलन पुरुष का विस्तार है, भाव है भावना है, हो रही क्यों ये भूल है, कोई मशगूलियत में है खाली, कोई खाली हो के मशगूल है, अब यही रहे हालात, अपना वजूद बड़ी मुश्किल में है, चुटकियां कसना छोड़ दो, फिर से मत गाना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। पेशे से मैं शिक्षक हूँ, और वो भी गणित का शिक्षक हूँ, और सबसे अच्छी बात मेरे विषय की यही है ना कि बेस्ट थिंग अबाउट मैथमेटिक्स इज कि इट डज नॉट चेंज विथ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो गुरुजी एक नई रचना आपको सुनाता हूँ को आज जो है, गणित मेरा विषय प्रिय विषय क्यों है, तो मैं कहता हूँ कि सरहदों ने मुझे बांटा नहीं है, गणित कहता है सरहदों ने मुझे बांटा नहीं है, भतीजे ने चचा को यहाँ काटा नहीं है, और गणित में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एसिड बेस का रिएक्शन नहीं है, एक शब्द के कई पर्यायवाची नहीं है, झउआ झउआ है चन्नी और खांची नहीं है, और शून्य सबसे छोटा होकर सबसे अधिक भारी है, और नई नवेली बहू जैसा गऊ फिर क्रांतिकारी है। मैंने पूछा एक छात्र से, प्रतीक भैया, मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की, मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की, आर्यभट्ट बोला तपाक से, फिर पूछ उठा ये सोच उसे किसने दी। उसके इस प्रश्न पर भैया मैं तो मौन था, उसके इस प्रश्न पर मैं तो बिल्कुल मौन था, सोचा मन में वो कौन था वो कौन था, फिर उसका जवाब आया, सर खोजा होगा काम आने वाले रिश्तों को बुरे दौर में, और शून्य की खोज की होगी किसी और ने, आपकी गणित की जानकारी थोड़ी न्यून है, आज के इस दौर में लगता अब भी भाव शून्य है, आज के इस दौर में लगता अब भी भाव शून्य है। कांपते होठों को देख न सोचो हम भी खामोश हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि गम अशकों के साथ बह जाएंगे, एक बार तो है बाटा कितने भागों में हमको बांटोगे, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा बचपन से है गाया, क्या ये समझे इतने भागों में हमको छांटोगे, खामोश लहरों को देख भला कब लगा है, इनमें भी तूफान उठेगा, तूफान उठ
रुकता है, समझ नहीं आता भला ये कैसे रुकेगा। हमारी खामोशी भी ऐसी है, हमारा उद्गार भी ऐसा है, हमारी नफरत भी ऐसी है, हमारा प्यार भी ऐसा है। और राम तो कणकण में बसे हैं यहाँ पर परशुराम बनना हमारी मजबूरी है। क्या अब भी कुछ कहना ज़रूरी है? क्या अब भी कुछ कहना ज़रूरी? आप लोग थोड़ा हाथ खोलिए, हाथ बांधे क्यों हैं आप? मैं इस पे कहता हूँ कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछकर घर से निकलना चाहिए, और पास में पत्नी अगर खूंखार हो तो आदमी को कम उछलना चाहिए, आदमी को कम उछलना चाहिए। कुछ पंक्तियाँ मैं समर्पित करता हूँ प्रतीक भैया को, बड़ा सीरियस दिख रहे हैं कि बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया, और शादी के पहले मैं भी मीठा चार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। अब अजय अंजाम भैया बैठे हैं, इनके बारे में भी कुछ कह दूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है कि कुछ वीर रस का मैं पढ़ूं। वीर रस का मैं कैसे पढ़ूं कि हाँ चलिए। पत्नी प्रियसी पाप पराए माल में, पत्नी प्रियसी पाप पराए माल में, संगी साथी सोच उलझा हुआ ससुराल में, और कुबूल बोले या साथ फेरे लगाए, शादी कर पछताता आदमी हर हाल में, शादी कर पछताता आदमी हर हाल में। और हिंदू सिख ईसाई या कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई या फिर मुसलमान है, खून एक ख्वाब एक राष्ट्र हिंदुस्तान है, और भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, हर कोई हर कोई हर कोई अपनी पत्नी से परेशान है, अपनी पत्नी से परेशान है, अपनी पत्नी से परेशान है। मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता, कि दरिया शोर करता है समुंदर कुछ नहीं कहता, कि मेरे दिल से मेरे चेहरे का समझौता गजब का है, वो अंदर कुछ नहीं कहता, वो बाहर कुछ नहीं कहता। बेवफा को मार गोली चाहे जितनी भी हूर हो, या तो आप मेरी बगल में या नजरों से दूर हो। शिशुपाल की सौ गाली पर कान्हा का सब्र टूटा था, विनती कर जब राम थके तब सागर भ्रम टूटा था, और विनती से कुछ न हुआ, भागीरथ के तप ने हमें माँ गंगा दी, और गांधी को राष्ट्रपिता हम सब कहते, बस इतना उत्तर दो, किसी ने भगत और सुभाष को क्यों नहीं राष्ट्रपुत्र की संज्ञा दी? ऐसा भी नहीं सारे बलिदान उनके फिजूल गए, हमने तो है बस चुप्पी तोड़ी, वो चिल्लाए तुम गांधी को भूल गए, वो चिल्लाए तुम गांधी को भूल गए। ये व्हाट्सएप वाली जनता आ गई दोबारा चश्मा उस्मा लगा के। पहले अपना मोबाइल अंदर रख दीजिए, ये व्हाट्सएप का दौर चल रहा है। मेरी एक रचना है कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, ओ जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो पाक की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा? स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा, स्थिति विश्व का व्हाट्सएप ही कारण होगा। जिंदगी में जब भी दर्द की इम्तहा होती है, जहन में मेरे बस मेरे माँ होती है। और मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि पति पत्नी के बीच में सिर्फ विवाद हुआ है, संवाद कहीं नहीं हुआ, पूरी सृष्टि में कहीं नहीं हुआ, बस एक ही जगह संवाद हुआ है, रावण और मंदोदरी के बीच में। मंदोदरी पहुंचती है रावण के समक्ष और कुछ प्रश्न करती हैं, वो प्रश्न मैं रखता हूं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन है, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है, और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में।
तब दशानंद बोलते हैं, हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, तारना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, और सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है, रावण मायावी है तो राम मायाधीश है।